अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फहीम राव आपका दोस्त। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम आपको टेक्सटाइल के हवाले से गाइड कर रहे हैं और साथ में आपको बेस्ट आइडियाज़ भी बता रहे हैं कि कैसे आपने अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, कैसे आपने अपने बिज़नेस को बढ़ाना है और आपने अपने इनकम को कैसे बढ़ाना है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिलो केस कैसे तैयार कर सकते हैं, उस मशीन के बारे में भी बताया था और आपको मशीन भी दिखाई थी, वो है टेक्सपा मशीन। अगर आप उसका विज़िट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक रख दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ लेके आया हूं कि कैसे आपने अपनी टेक्सटाइल में, अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो करना आपने ये है, आपने सिर्फ एक फ्लैट मशीन लगानी है अपनी इंडस्ट्री में जो कि टेक्सपा मशीन है। इससे आपकी प्रोडक्शन 8 घंटे में 1600 पीस तक आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको मशीन का विज़िट करवाने लगा हूं, आप पहले मशीन को अच्छी तरह से देख लें और मैं स्टेप बाय स्टेप मशीन के हर ऑपरेशन को आपको दिखाऊंगा, फिर इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा कि आपने करना क्या है। आपने सिर्फ 2 वर्कर के साथ, ओनली 2 लेबर के साथ 1600 पीस को कैसे तैयार करना है 8 घंटे में, मैं इसको आपके बारे में मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा। चलो आइए, अभी मैं आपको मशीन का विज़िट करवाता हूँ, आइए देखिए। जी ये देखें, इधर हमने अपना कट साइज़ देना होता है और रिक्वायर्ड साइज़ फिट करना होता है इसके अंदर। और ये देखें, इधर से मशीन स्टार्ट होती है, फिर से हमने रोल को लगाना होता है। ये देखें, इन मराहिल से फैब्रिक गुजर रहा है। ये अभी इधर से टॉप और बॉटम हेम हो रही है, इस साइड से एक बॉटम हेम होती है और दूसरी साइड से टॉप हेम होती है। इधर से कटिंग हो रहा पीस, जो रिक्वायर्ड साइज हमने इसमें डाला था स्क्रीन पर, उस हिसाब से इधर से कट हो जाएगा। इधर से लेबल अटैच हो रहा साथ के साथ। और ये इधर से साइड हेम हो रही है, ये टॉप बॉटम उधर से हो गई थी, अब इधर से साइड हेम हो रही है। ये देखिए, अब पीस रेडी होके बाहर आ गया है। और एक अगर उधर एक होगा वर्कर और एक इधर, दोनों साइड साथ के साथ चेक होती रहेंगी, क्वालिटी भी साथ के साथ होती रहेगी। ये आप फोल्डिंग की तरफ जा रहा है, आगे फोल्डर लगा हुआ साथ के साथ फोल्ड हो जाएगा। ये आप इधर फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है, ये आप देख रहे होंगे तो फोल्ड हो गए पीस बाहर आ गए। ये देख रहे हैं, आपको जो नज़र आ रहा होगा कि पीस कैसे कट हो रहा है और फिर आगे जाके ये साइड हम होकर पीस कंप्लीट हो जाएगा। जी दोस्तों, तो यकीनन आपने टेक्सपा मशीन को देख लिया होगा कि कैसे फ्लैट शीट तैयार हो रही है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताने लगा हूं, आपने गौर से सुनना है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, सबसे पहले मैंने आपको मशीन की स्क्रीन दिखाई है, उस पर हम कट साइज और रेडी साइज को फीड कर देते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक बैचर दिखाया था जो पीछे लगा हुआ था, या रोल बोल रहे या बैचर। उसके बाद हम रोल और बैचर को लगाते हैं, फिर फैब्रिक स्टार्ट हो जाता है, मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर फैब्रिक जाता है और आगे जाके फिर उसकी टॉप और बॉटम हेम होती है दोनों साइडों से, फिर आगे जाके कट होता है पीस, और फिर लास्ट में इसके बाद लेबल लगता है और फिर साइड हेम होती है। इसके बाद पीस जब रेडी होके मशीन से बाहर आता है तो साथ ही फोल्डर मशीन लगी हुई है और साथ ही फोल्ड हो जाती है, और फिर बाद में फोल्ड के बाद पीस रेडी फॉर पैकिंग के लिए तैयार हो जाता है।
इसके बाद अगर आप उधर एक टेबल लगा दें पैकिंग, और ओनली 2 वर्कर्स की आपको जरूरत होगी, 2 वर्कर के साथ आप ये 1600 फ्लैट शीट को पैक कर सकते हैं। अब जो इसमें सबसे अहम बात है वो ये बात है कि आप को इसमें फोल्ड का टाइम बच गया है, साथ के साथ पीस तैयार हो गया, स्टिच हो गया, और साथ में फोल्ड भी हो गया। आप इसको रेडी फॉर पैक के लिए पैकिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो यह है कि इसमें क्वालिटी के तमाम तर मराहिल हमने बड़ी एहतियात के साथ एहतियात की है कि क्वालिटी का किसी किस्म का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हैंडलिंग के इशू कवर हो जाते हैं, ऑयल स्टेन, डस्ट स्टेन और जितने भी वर्कमैन इशू है वो सब कंट्रोल हो जाते हैं। यानी कि फैब्रिक रूल लगाया मशीन पे और वो स्टिच होने के बाद, फोल्ड लगने के बाद पीस बाहर आ गया, आपने फोल्डिंग को उठाना है, एक किसी खाली बॉक्स के अंदर रख लिया। अगर आपने शीट सेट के साथ पैक करना है तो किसी खाली बॉक्स के अंदर उन फोल्डिंग को जमा कर लें, और जब वो बॉक्स फिल हो जाए तो फिर आप उसको पैकिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दें, तो आपकी जो है प्रोडक्शन पैक हो जाएगी। इसमें सिर्फ आपको 2 वर्कर की ज़रूरत है मशीन को ऑपरेट करने के लिए, और 2 वर्कर की ज़रूरत है पैक करने के लिए, यानी कि टोटल 4 वर्कर के साथ आप 1600 फ्लैट शीट 8 घंटे में स्टिच भी कर सकते हैं और पैक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आपने सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में टेक्सपा मशीन को लगाना है और डेली बेसिस पे 8 घंटे में आप 1600 से प्लस फ्लैट शीट को तैयार कर सकते हैं। जी शुक्रिया जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।